हेलो व्यूवर्स, आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है अमृतसरी पिंडी छोले, या फिर आप इसे छोले भटूरे से भी जानते होंगे। नॉर्थ इंडिया में, ख़ास तौर पर दिल्ली में, जगह जगह पर, चौक चौराहे पे ये जो डिश है आपको खाने मिलेगी, जिसे खाकर आप यही सोचोगे कि इसमें ये लोग डालते क्या है, क्या ऐसा तरीका है, क्या ऐसा सीक्रेट है जिसे डालने के बाद में ना ये इतनी टेस्टी बनती है कि लोग इसे खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो यही सीक्रेट रेसिपी हलवाई से मैंने सीख के ली। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैंने कलर के लिए एक हलवाई वाली ट्रिक शेयर की है, जिससे आपके छोले बाजार जैसे बनेंगे। रेसिपी के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक कटोरी बड़े वाले देसी काबुली छोले, और साथ में ही डालेंगे हाफ एंड कटोरी चने की दाल। ये जो रेसिपी है ये टोटली हलवाई स्टाइल रेसिपी है, इसके लिए यहाँ पर हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप इसे घर पर बना रहे हैं तो। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, सतह से 1 से 2 इंच ऊपर आए इतना हमें पानी इसमें ऐड करना है। अब इन छोलों को हम रात भर सोखने के लिए छोड़ देंगे ओवरनाइट। सुबह हम इसे चेक करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये जो छोले हैं वो डबल साइज़ के हो चुके हैं फूल के, और पानी भी एब्जॉर्ब हो चुका है। दूसरी साइड यहाँ पर हम एक सूती या फिर मलमल का कपड़ा लेंगे, जिसमें हम 1 चम्मच चाय पत्ती ऐड करेंगे और कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा दालचीनी का 1 स्टिक, 1 बड़ा तेज पत्ता, 1 चक्रफूल, 2 बड़ी वाली काली इलायची और 3 से 4 लौंग। अब हम इसकी एक अच्छी पोटली बना लेंगे। यहाँ पर मैंने चाय पत्ती इसलिए यूज़ की है क्योंकि इससे जो रंगत है बहुत अच्छी आएगी छोलों में। हलवाई वाले यही तरीका यूज़ करते हैं। अब ये सारे छोले हम इस कुकर में डाल लेंगे और ये पोटली भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब जाएगा ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो छोले वाले यूज़ करते हैं, वो है ये आंवले के टुकड़े। इससे जो फ्लेवर आएगा ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। अब हम इसमें डालेंगे पानी और लास्ट में जाएगा स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद में हम इसे धीमी आंच पर 1 सीटी आने तक इसे अच्छी तरह पका लेंगे। इधर हम ढक्कन खोल कर देखेंगे और चेक करेंगे कि ये छोला पक चुका है कि नहीं। इस तरह से इसे मैश करेंगे, आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से मैश हो गया है, ये पक चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लोहे की कढ़ाई यूज़ की है, हलवाई वाले इसी कढ़ाई में इसे बनाते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल और 1 से 2 चम्मच घी, इसी मिक्स प्रोपोर्शन में हमें डालना है। अब हम इसमें डालेंगे सहाजीरा, ये सहाजीरा होता है, इससे एक बेहतरीन टेस्ट आता है डिश में। अब इसमें डालेंगे हाफ एंड कटोरी कसूरी मेथी, हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका जो स्वाद है वो तेल में अच्छी तरह से घुल जाए। अब हम इसमें डालेंगे 2 कद्दूकस किए हुए बड़े प्याज और इसे भी अच्छी तरह से तेल में भून लेंगे। देखिए इतनी बर्न्ड कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। अब हम इसमें ग्रेट करके अदरक ऐड करेंगे, इसे भी अच्छी तरह तेल में सॉटे कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड टमाटोज का पेस्ट और इसे भी अच्छी तरह से मसालों में भून लेंगे। यहाँ पर मसालों ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच पुदीने का पेस्ट और साथ में डालेंगे 1 कटोरी हंग कट, जिसका सारा पानी मैंने निकाल लिया है। और फाइनली जाएगा ये लाल मिर्च का पेस्ट। इसका कलर देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल ही नेचुरल कलर। तो यही ट्रिक मैं आपके साथ में लास्ट में शेयर करूंगी, तो ज़रूर देखिए। अब हम इसमें डालेंगे हाफ एंड कटोरी इमली का पानी और इसे भी अच्छी तरह से इन मसालों में भून लेंगे। इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे सारे सूखे मसाले। तो सबसे पहले छोले का पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच आमचूर का पाउडर, थोड़ा सा ही डालना है नहीं तो खटास ज़्यादा हो जाएगी, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच जीरे का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और इन मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक संभाल के डालना है कि इससे पहले हमने 2-3 स्टेज पर नमक ऐड किया हुआ है। अब ये सारे छोले, बॉयल्ड छोले इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मसालों में एक मिक्सअप दे देंगे। अब हम ऐड करेंगे वो छोलों का पानी, इसे बिल्कुल भी मत फेंकिए, इसमें बहुत स्वाद होता है। और लास्ट में ऐड करेंगे ग्रेटेड मावा
इससे जो टेस्ट आएगा ना सेम हलवाई स्टाइल आएगा। देखिए क्या सुंदर और कितने टेस्टी छोले दिखाई दे रहे हैं। लास्ट में ये जो चने हैं इसे मैंने थोड़ा पीस के इसमें ऐड किया है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी एक थिक कंसिस्टेंसी हो जाए। अब इसे बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब हम बनाएंगे इन छोलों की जान, वो है ये घी वाला तड़का। घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च फ्राई होने के बाद हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। अब ये गरम गरम तड़का हम इस सब्जी के ऊपर डाल देंगे और लास्ट में डालेंगे फ्राइड पोटैटोज और इसे अच्छी तरह से कोरिएंडर के साथ सजा लेंगे। जैसे कि मैंने बोला था लास्ट में मैं आपको एक कलर के लिए ट्रिक दिखाऊंगी, वो है ये रेड चिली पेस्ट। इसे मैंने बिल्कुल ही अनोखे तरीके से बनाया है। इसमें आप थोड़ा सा तेल डाल के इसे स्टोर करेंगे तो ये 10 से 15 दिनों के लिए आराम से रह सकती है। आप इसे किसी भी डिश में यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी के लिए हम एक पैन में थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने बेड़ की मिर्च ली है जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब ये पानी बॉईल होने के बाद में ये सारी मिर्ची हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा विनेगर, ये थोड़ा एसिडिक होने के कारण और भी इसका कलर अच्छा आएगा। ये सीक्रेट ट्रिक आप ज़रूर ध्यान रखिए। और इसे बॉईल करने के लिए हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक। देखेंगे मिर्चा बिल्कुल भी पक चुकी है, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये डिश कैसी लगी? अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।